साथियों, अब हम पढ़ने वाले हैं धारा 24 बी एन एस को। धारा 24 बी एन एस एक तरीके से एडवांस्ड एक्सप्लेनेशन है धारा 23 बी एन एस का। धारा 24 बी एन एस क्या कहता है कि यदि कोई एक्ट जो है अपराध नहीं है जब तक कि उसे किसी प्रॉपर क्रिमिनल इंटेंट या नॉलेज से ना किया जाए। यदि कोई व्यक्ति उस एक्ट को कर रहा है और उसको करते समय ही इज इन द स्टेट ऑफ इंटॉक्सिकेशन, तो वो व्यक्ति उस स्थिति में भी लायबल होगा उस कृत्य के लिए, इस अजम्पशन पे कि जैसे वो इंटॉक्सिकेट नहीं हो, जैसे कि उसको इस बात की प्रॉपर नॉलेज हो, जैसे कि उसके लिए उसके पास एक प्रॉपर क्रिमिनल इंटेंट है। जब तक ये साबित ना कर दिया जाए कि उसको इंटॉक्सिकेट किया गया है अगेंस्ट हिज विल और विदाउट हिज नॉलेज। वही जो बात मैंने आपको बताई कि कोई शराबी है, वो रोड पे जा रहा है, पंगा हो गया, उसे मर्डर कर दिया, तो बर्डन उसके ऊपर है कि वो शराब पिया हुआ है और वो शराब उसने पी नहीं है, उसको शराब पिला दी गई है उसकी कंसेंट के बिना, उसकी नॉलेज के बिना। क्लियर है? तो ऐसी स्थिति में ही बेनिफिट मिलेगा 24 बीएनएस का, अदरवाइज बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। तो कहने की बात है कि एक्सेप्शंस हैं, बट एक्सेप्शंस को प्रूव करने के लिए एडी चोरी का जोर लगाना पड़ेगा। अगर वो नहीं लगा पा रहा है डिफेंस, तो ये डिफेंसेस मत लो। कृपा करके ऐसे डिफेंसेस देकर खुद ही अपने केस को आप डैमेज कर दोगे।